नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री अरुण जेटली मानहानि मामले में अब आप नेता कुमार विश्वास ने भी माफी मांग ली है। इसके बाद अरुण जेटली ने उनके खिलाफ चल रहा मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया है। कुमार विश्वास ने बेहद रचनात्मक भाषा में जेटली को पत्र लिखकर माफी मांगी, जिसे जेटली ने स्वीकार कर केस वापस ले लिया है। हालांकि उन्होंने अपने पत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। गौरतलब है कि इस मामले में आरोपी रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, दीपक बाजपेयी, आशुतोष व संजय सिंह ने 1 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से माफी मांग ली थी। इन मामलों को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट और पटियाला हाउस में जेटली व आरोपियों की ओर से संयुक्त अर्जी दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। उस समय विश्वास ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ के समक्ष 3 मई को कुमार विश्वास ने कहा था कि उन्होंने जेटली के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल अरविंद केजरीवाल की बातों का समर्थन कर उन्हें दोहराया था। उनकी बातों से जेटली की छवि खराब हुई, इसका उन्हें खेद है। वह आगे सुनवाई नहीं चाहते, लेकिन अपना बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें मोहलत चाहिए। विश्वास ने खेद के लिए पत्र में सबसे पहले जेटली के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद जमकर केजरीवाल के खिलाफ भड़ास निकाली।